ये देखिए बिल्कुल आउट था, बहुत ही अच्छा फैसला आपने दिया। लाना लाना लास्ट बॉल और ये यॉर्कर क्रॉस सीम यॉर्कर गया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हमारा जी एपिसोड नंबर 9 है पीएसएल का जो हमारा चल रहा है, ठीक है। रिसेंटली मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो उस टाइम एक भाई की कमेंट आई थी मेरे पास, यूट्यूब की आईडी का नाम है हमको वाई टी, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ उसका। तो उसका कमेंट्स ये आया था कि भाई जो कराची किंग ने सारे मैच जीते हैं लेकिन फिर वो इधर आप स्टैंडिंग में देखें फिर वो दो मैच कैसे हार गए, ठीक है। तो वो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। असल में वो ऐसे हुआ था कि जो हम पहले खेल रहे थे ना पीएसएल, ठीक है, पीएसएल के टूर्नामेंट जो हम पहले खेल रहे थे मैच में 7 से 8 मैचेस हमने खेले थे, तो वो ना वो टीम थी पुरानी, ठीक है, उनके यूनिफॉर्म वगैरह वो स्क्वाड ना पुराने थे काफ़ी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने न्यू अपडेटेड किए 2023 के, तो उसके बाद वो टीम्स जो है ना वो उसमें ऐड नहीं हो रही थी, ठीक है। वो मैंने फिर उसके लिए नया पीएसएल का शेड्यूल टीम्स ऐड करके नया शेड्यूल बनाया, तो उसमें वो मैचेस अब नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने फिर जितने मैच हमने पहले खेले थे ना उतने मैंने वो सिमुलेट कर दिए। एपिसोड नंबर जो हमारा 8 था ना उसमें वो समझो वही मैं मैच खेला था पहले, वो सिमुलेट किए हुए थे सारे, ठीक है। तो इसमें जो ये पॉइंट टेबल आ रहे हैं ना ये सिमुलेट करके आ रहा है। मैं आपको दूसरे दिखा देता हूँ जो हम पहले खेल रहे थे, ठीक है, पुरानी टीम के साथ, वो भी मैंने सेव करके रखा हुआ। ये देखिए ये था वो, ये देखिए ये था वो कराची किंग के 3 मैच जीते हुए थे, ये सारे जो है ना वही थे, ठीक है। तो जो अब हम खेल रहे हैं वो सिमुलेट किए हुए हैं, ठीक है। इसमें यही है कि वो टीम्स पुरानी थी, इसमें जो है ना टीम्स नहीं है। तो अब मैं आपको जो ना जितने मैच वो कराची आ रही है वो मैं आपको बता दूंगा। एक वैसे इस बात की मुझे खुशी भी हुई है जो आप भैया आपने कमेंट किया है हमजा, कि मुझे खुशी इस बात की हुई कि आप जो है ना मेरे जो मैचेस जो मैं मैचेस करता हूँ जो टीम्स के साथ या पीएसएल जो भी मेरा गेम प्ले होते आप देखते हो, मेरे को वॉच करते हो इस वीडियोस को, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपसे, एपिसोड वगैरह जो भी बनाता हूँ आप मेरे गेम प्ले को देखते हो, तो बहुत खुशी हुई है आपसे। तो इंशाल्लाह आगे जो है ना आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब से जो मैं ना वीडियो भी इंशाल्लाह रोज़ आएगी हमारी, ठीक है। तो अब जो आपके कराची के जो 2 मैच लॉस हुए हैं ना, ठीक है, वो इंशाल्लाह अब आपकी मैं अब कसर निकाल दूंगा, कराची इंशाल्लाह आगे आएगी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते, तो नेक्स्ट हम मैचेस पे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम मैचेस करेंगे जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, ठीक है। एपिसोड नंबर 9 है ये, ठीक है। तो मेरी तो फेवरेट मुल्तान है, ठीक है, मैं मुल्तान को चूज़ करूँगा, और इधर भी फेवरेट है आसफ अली। जल्दी मैच स्टार्ट करते हैं और मैच में मिलते हैं आपको सेटिंग करके। डिटेल्स करते हैं, चॉइस रजवान वन द टॉस या नहीं इस्लामाबाद वन द टॉस। तो इस्लामाबाद देखते हैं बैटिंग करते हैं बॉलिंग, अगर मैच टॉस जीता तो मैं तो बैटिंग ही करता डेफिनेटली, तो भी बॉलिंग करेंगे। तो अब मैं आपको पहले लाइनअप दिखा देता हूँ उसकी मुल्तान की, ठीक है। शान मसूद, रिजवान, रूसोफ, डेविड मिलर, कैरन प्लाट, खुशदिल अनवर, अकील हुसैन, ये सारी लाइनअप मैंने जो अब खेल रहे हैं पीएसएल में वही मैंने लाइनअप कर रही है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट बॉल आ गया और फर्स्ट बॉल पे सिंगल। There'll be one run here for them. Masu is new to the crease. सॉरी मैंने अभी आपको डिफिकल्टी दिखाई नहीं है, ठीक है, डिफिकल्टी देख लें, हार्डेस्ट पे है बैटिंग बॉलिंग। They'll be keen to field bat on ball early on. सेकंड बॉल फरुकी, आ गया शान मसूर और सिंगल। Collect that one, simple as you like inside the ring. And there ओ डॉट बॉल, बहुत अच्छी बॉल और इस बार कट अच्छी तरह टाइम की शान मसूद ने, पहले कट करना चाहते थे बीट हुए
और दूसरी का कट कामयाब हुई। देखिए हल्का सा कट किया फोर, बॉल टू किया गया शान मसूद और डॉट बॉल, अच्छी बोले। अब भाई जी हसन अली, हसन अली फर्स्ट बॉल डालने हैं जी अपने बॉल की और डॉट बॉल। हसन अली आ गया रिजवान और एक और डॉट बॉल, वेल बॉल और इस बार शायद फोर हो बट बॉल स्लो है और बचा गए। थ्री रन्स तो पक्का है और इस बार फोर है। ये कवर ड्राइव मोहम्मद रिजवान की और वेल शॉट और पहला फोर मोहम्मद रिजवान का पहला फोर है बैट से। और इस बार रिजवान ने उठाई बॉल और ये कैच आउट, आसफ अली ने अच्छा कैच किया, शॉट भी अच्छी थी बट सही टाइम नहीं किया था, टाइमिंग थोड़ी सी लेट थी। अच्छी बॉल फरूकी की और रिजवान अपनी विकेट दे चुके हैं पहले, आसफ अली का अच्छा कैच, एट रन पे आउट। अब आएंगे रेली रूसो, शादाब खान आएंगी अब फोर्थ ओवर डालने, पावर प्ले में ही आ गए शादाब खान। सिंगल शॉट, ये तो फोर है, आवाज से बैट की आवाज से पता चल गई कि फोर है शान मसूद। टाइमिंग अभी तक ठीक नहीं थी बट फिर भी फोर, अगर टाइमिंग अच्छी होती तो शायद सिक्स हो जाता। और इस बार पीछे हटके शॉट पर बॉल थी, शॉट पिच स्लो बॉल थी और शान मसूद थोड़ा सा पीछे आए और फोर बैक फुट पे आए, ऑफ साइड पे रूम दिया और फोर। और इस बार लेग साइड पे फोर, इस बार भी शॉर्ट पच बॉल थी लेकिन स्लो बाउंसर था तो लास्ट बॉल पे लेग साइड पे आके ऑफ साइड पे फोर लगाया था, तो इस बार ऑफ साइड पे आके लेग साइड पे फोर। और इस बार आज और लकी रहे शान मसूद, बहुत अच्छी बॉलिंग शादाब खान की जानब से और यहाँ पे फील्डिंग भी बहुत अच्छी हुई है और थ्री रन मुकम्मल किए शान मसूद ने। और इस बार पीछे थर्ड मैन की जानब पे फोर, रियली रूसो थी इस बार, रियली रूसो क्या शॉट है, कमाल की शॉट। शादाब खान पहली बॉल पे थ्री और सेकंड बॉल पे फोर आया और थर्ड बॉल पे सिंगल ही मिलेगा, तीन बॉलों पे एट रन आ चुके हैं शादाब खान को। और ये शॉट है शान मसूद की फोर। और इस बार आउट का चांस है और ये कैच आउट, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे शान मसूद और लेग साइड पे फ्लिक किया था लेकिन गैप शॉट खेली थी लेकिन गैप शॉट नहीं गई फील्डर के पास, कैच आउट। बॉल स्ट्रीलिंग थी इस बार और अच्छा कैच, 43 50 के बहुत ही नज़दीक थी। अब बाएं हैं डेविड मिलर और इस बार सिक्स, कमाल की शॉट, ऑफ साइड की जाना मिड ऑन की जाना सिक्स, वाओ व्हाट अ शॉट। डेविड मिलर मिड ऑफ की जाना बहुत ही अच्छी शॉट और बहुत ही कमाल का सिक्स। और इस बार सिंगल ही मिलेगा और डबल की कॉल है, रन आउट बट सेव रहे। और इस बार ब्रिलियंट शॉट, ब्रिलियंट शॉट, सो ब्रिलियंट शॉट, स्ट्रेट ड्राइव पे फोर। और इस बार मेरे ख्याल में आउट है और ये अच्छा कैच, डेविड मिलर इज गॉन 85 पे
थ्री विकेट गिर चुकी हैं और बिरार अहमद पहले ओवर में ही अपनी विकेट ले चुके हैं। अच्छी बॉल थी, आगे आई थी, डेविड मिलर 16 रन पे एक फोर और एक सिक्स, 133 के स्ट्राइक रेट से चले वापस। अब आए कैरन प्लॉट, के मुल्तान सुल्तान की 10 ओवर्स बाकी हैं तो अभी तक रुसव खड़े हैं और ये हल्का सा जो है टच ही किया था थोड़ा सा और फोर। यहाँ पे मिस फील्डिंग हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो ये पहली बार मिस फील्डिंग नहीं हुई, पहले भी दो तीन बार जो है ना मिस फील्डिंग हुई है, तो आज काफ़ी फील्डिंग मिस कर रहे हैं। रूसव खड़े हैं अभी 15 बॉलर पे 22 रन 92 पे 3, और इस बार फिर एक अच्छी शॉट लेग साइड पे रूसव की, शॉर्ट पिच बॉल थी और फिर दो रन आए और इस बार सिक्स रूसव का लेग साइड पे थर्ड मैन की जाना, बहुत ही अच्छी शॉट रूसव की बैक फुट पे है और सिक्स शॉर्ट पिच बॉल थी और फहीम अशरफ नाखुश इस शॉट से। शॉट देखें जी, वेल प्लेड अशरफ, पहले ओवर में 13 रन दे चुके हैं तीन बॉलों पे और ये इस बार अच्छी बॉल थी, आउट स्विंग थी बहुत रूसव और ये आज निकला बहुत ही अच्छी बॉलिंग और रूसो गॉन। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे रूसो, लेकिन लगातार ये दूसरी बॉल थी आउट स्विंग फहीम अशरफ की, बहुत ही अच्छी बॉल। ये देखे लेग स्टंप पे ये आउट स्विंग हो, मेरे ख्याल में शॉट भी थोड़ी सी जो है गलत थी। 30 रन पे आउट 19 बॉल पे दो चौके और एक छक्के। अब आया खुशदिल शाह और यहाँ पे खुशदिल शाह की बहुत ही अच्छी शॉट कवर ड्राइव ऑफ साइड पे फोर रन, शॉट देखें फ्रंट फुट पे कवर ड्राइव बहुत ही अच्छी शॉट, पुलाट कैरन पुलाट और इस बार ऑफ साइड की जाना सिक्स और इस बार फिर ऑफ साइड की जाना, और ये सिक्स नहीं बट इस बार फोर है, बाउंड्री के थोड़े से नज़दीकी गिरी बॉल, बहुत ही अच्छी शॉट कैरन प्लॉट और कैरन प्लॉट के जो है हेलमेट पे लगी है बॉल, बहुत ही बाउंसर खतरनाक बाउंसर था और यहाँ पे रन आउट का भी खतरा है खुशदिल शाह का। क्या ये पहुँच चुके हैं क्रीज में, थर्ड अंपायर देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तो बचत होगी है, लेकिन फिर भी देखते हैं रिप्ले में। जी हाँ, बहुत ही करीबी मामला है, नॉट आउट होगा और ये आउट। आज क्या हो गया बैटिंग को, 12 ओवर में 124 पे 5 आउट और ये कट थर्ड मैन पे 4 अनवर अली, पेस का फायदा उठाया, जस्ट बैट का रुख मोड़ा और ये 4 किंग्स के लिए बैठे हैं और ये 4, ये तो सीधा 4 है, साइड स्क्रीन पे जाके लगी बॉल, बहुत ही अच्छी शॉट पुलाड की, स्लो बॉल थी, अगर थोड़ी सी इसमें पेस होती तो ये 6 था और इस बार शॉट 4 बैक फुट पे शॉट और मिड ऑन की जानब 4। ये देखिए रोमन राइस शॉट पिच थोड़ी सी बॉल थी लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी थी बॉल और कैरन पोलार्ड 13 बॉल पे 33 रन और इस बार स्ट्रेट पे और ये कैच का चांस है बट फील्डर मिस किया 4 रन, फील्डर रुके पीछे देखा और बॉल गुजर गई। कैरन पोलार्ड अभी तक कैरन पोलार्ड पावर हिटिंग ही कर रहे हैं अभी तक, फहीम अशरफ और आगे हैं अनवर अली और अनवर अली की शॉट, क्या ये 4 हो पाएगा, जी हाँ 4, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था बॉल रोकने का। प्लॉट और इस बार फुल टॉस, लो फुल टॉस पे 6 ऑफ साइड पे वेल शॉट कैरन प्लॉट, जब कैरन प्लॉट हिटिंग पे आते हैं तो कोई बॉलर नहीं होता उसे रोक पाने के लिए, इस बार कैरन प्लॉट ऑन द एक्शन
50 होती है इस ओवर में या नहीं। और इस बार डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग इस बार, इन स्विंग की थी ऑफ साइड से अंदर आई और इस बार बैट पे आई, इस बार भी इन स्विंग थी ऑफ साइड पे, लेकिन इस बार करण प्लाट नहीं छोड़ेंगे क्योंकि लास्ट बॉल डॉट की इधर से, तो अब समझ चुके हैं करण प्लाट फोर और इस बार सिक्स ऑफ साइड पे आई, लेग साइड पे सिक्स लो फुल टासी और यहाँ पे 50 है कैरन प्लाट की और आ गया प्लाट, देखते क्या होता है। और इस बार फिर स्लो बॉल और यहाँ पे कैच किया, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत ही स्लो बॉल थी और यहाँ पे शॉट नहीं खेल पाए प्लाट। ये देखें और फिर भी अच्छी बैटिंग, 63 रन की 27 बॉलों पे 233 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही अच्छी बैटिंग। अब आए हैं 7 नंबर पे बैटिंग करने अकील हुसैन, अकील हुसैन और ये पीछे खेली लेग साइड पे बॉल और यहाँ पे सीधा फोर है क्योंकि यहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे जो है देख के शॉट खेली है कि वहाँ फील्डर नहीं मौजूद और हल्का सा जो है शॉट फ्लिक किया और फोर। Like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. और यहाँ पे बैक फुट पे शॉट और यहाँ पे फोर तो है लाजमी, बट नो फिर अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, तकरीबन दो से तीन फोर ऐसे हैं जहाँ पे मुमकिन फोर थे लेकिन फील्डर ने जो है थोड़ा सा पीछे हुए। और यहाँ पे सिक्स अनवर अली का बहुत ही अच्छी शॉट, ऑफ साइड पे रूम दिया और बहुत ही अच्छी शॉट खेली अनवर अली ने सिक्स, वाओ व्हाट अ शॉट, यहाँ पे 200 होने, ये देखे जी और यहाँ पे मिस शॉट थी बट लकी रहे हैं और यहाँ पे मिस फील्डिंग, ये तकरीबन फोर्थ फाइव टाइम से जो है मिस फील्डिंग हुई है और यहाँ पे देखें काफ़ी आगे आगे थे लेकिन बॉल काफ़ी बाउंस हो गई और यहाँ पे पकड़ नहीं पाए, मिस फील्डिंग फोर, लास्ट फोर बॉल पड़ी हैं, क्या यहाँ पे फोर बॉल पे बाउंड्री आएगी? जी हाँ बाउंड्री आएगी, ये कैच भी हो सकता है और ये बहुत ही अच्छा कैच, वेल पहली बार मैंने ऐसा कैच देखा है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कभी फील्डिंग बैड हो रही है कभी सही फील्डिंग हो रही है, इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पहले बहुत मिस फील्डिंग की और यहाँ पे कैच देखी असफल ही थे, बहुत ही अच्छा कैच, सिक्स रन भी सेव की और एक विकेट भी, नॉट बैड। अब आए सामा में, तीन बॉलों पे ओनली अभी 3 रन दिए हैं शताब खान ने, नो फिर डॉट बॉल, लास्ट बॉल है 20 ओवर की, क्या इस पे बाउंड्री आ पाएगी? लेकिन नहीं, सिंगल, डबल पे आएंगे और यहाँ पे रन आउट, लास्ट बॉल थी डबल करना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पे पकड़ दी, फेंक दी बॉल और रन आउट शदाब खान का। फिर भी काफ़ी अच्छा टोटल हमने किया है, हालांकि हमारी जो विकेट गिर रही थी शुरू से एक दो विकेट गिरी, फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी रूसफ की, उसके बाद फिर एक दो डेविड मिलर और रूसफ आउट हुए, फिर कैरन प्लाट ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, 63 रन की बैटिंग जस्ट 27 बॉल्स की, यहाँ पे सिर्फ 63 कैरन प्लाट ने की है और शानम सिंह ने अच्छी थोड़ी सी बैटिंग की है, 43 की है उसने और 31 अनवर अली ने किया, 30 किया रैली रूसफ ने, बहुत ही अच्छी बैटिंग, हालांकि थोड़ा सा लगा था कि आज बैटिंग अच्छी नहीं थी और लग रहा था ऐसे कि जस्ट 150 ही करेगी मुल्तान सुल्तान, लेकिन फिर भी अच्छी बैटिंग, तो अब थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी करेंगे क्योंकि बैट्समैन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो तकरीबन 8 नंबर तक बैटिंग है, तो कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी आउट करें। और पहला ओवर मैं सामा मीर से करवाऊँगा, करेंगे स्पिनर, अगर स्पिनर अच्छा ओवर करेंगे तो ये, बट नो यहाँ पे फोर है और ये फ्री का चौका दिया है, और स्पिनर को मार डलेगी तो फिर हम फास्ट का चांस लेंगे लेकिन अदरवाइज
हम स्टार्टिंग जो है ना स्पिनर से ले रहे हैं, क्या यहाँ विकेट आएगी? और नो, गुरबास अभी सेव कर ले बॉल, ये तो फोर क्योंकि स्लिप पे एक ही फील्डर है, पीछे फील्डर नहीं लिया हुआ, तो अगर स्लिप से जाएगी बॉल तो समझो फोर ही है। रजवान भी ना खुश, असल में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एहसानुल्ला, एक मैच में 5 विकेट्स भी लिए हैं इसने। एहसानुल्ला फर्स्ट बॉल आ गए हैं सीलिंग, देखते हैं ये क्या होता है। और ये अच्छी बॉल, वेल बॉलिंग स्विंग की थी लेकिन स्पीड थोड़ी सी मीडियम थी। एहसानुल्ला आ गए, और गुरबास और पॉन्सर किया, बट यहाँ पे फोर। ये बॉल एहसानुल्ला, और इस बार फिर एक और डॉट बॉल एहसानुल्ला, लास्ट बॉल, और ये यॉर्कर क्रॉस स्ट्रीम यॉर्कर गया था, ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग। वेल इसीलिए मैं एहसानुल्ला को लाना चाहता था क्योंकि ये तेज अच्छी बॉलिंग करते हैं, और रहमानुल्लाह गुरबाज पहले ही ओवर में 3 चौके लगाए थे लेकिन स्पिनर को, लेकिन इस बार एहसानुल्लाह ने बताया कि ये फास्ट बॉलिंग है। ये देखें सीधा विकेट की एंड पे आई बॉल यॉर्कर, और किल हुसैन को चांस देंगे। किल हुसैन, ओ वेल बॉल, एज निकला बट लकी रहे किल हुसैन। सेकंड बॉल, क्या ये विकेट है? क्या ये विकेट? नो, ओवर ड्राइव अच्छी, और सीलिंग का फोर। सीलिंग ने अपनी जो है खाता खोला फोर से, क्योंकि ज़्यादा देर ये सीलिंग भी खामोश नहीं रहते। क्या देखते हैं यहाँ पे विकेट आएगी, लेकिन यहाँ पे मुनरो का फोर आएगा। एहसानुल्लाह, और इस बार सीलिंग का फोर, इस शॉट में जान थी सीलिंग की, अच्छी शॉट है कि हम विकेट लेंगे यहाँ पे किल हुसैन से, और फोर मुनरो का। एहसानुल्लाह को थोड़ी सी रेस्ट दिया 2 ओवर के बाद, अब आए अब्बास फरीदी। अब्बास फरीदी देखते हैं क्या विकेट होती है यहाँ पे, लेकिन पहली बार पे तो सिंगल है अब्बास फरीदी। लास्ट बॉल डाले ओवर की, और यहाँ पे आउट है, और ये आउट, वेल कैच। इसलिए मैंने 2 स्लिप लिए हुए थे कि 2 बॉल्स मैंने अंदर इन स्विंग की, और लास्ट बॉल जो मैंने रिस्क लिया था आउट स्विंग का, बिल्कुल चलता किया अब्बास फरीदी ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। अपने पहले ही ओवर में विकेट ली, एहसानुल्लाह ने पहले ओवर में विकेट ली थी, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग 70 रन पे, वो सीलिंग विलियन वापस। अब आए हैं जी आजम खान, फील्डिंग की है चेंज, अकील हुसैन आए और सामना करेंगे मुनरो। सिंगल फर्स्ट बॉल पे 55 पे 6 ओवर्स, और इस बार ऊंचा उठाया मुनरो ने, और ये फोर। फील्डर मौजूद नहीं थे क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड पे लिए हुए थे। अब्बास फरीदी आ गया मुनरो, और इस बार फिर एच, बट लकी रहे यहाँ पे स्लिप नहीं थी। अब्बास फरीदी, और इस बार 6। अब्बास फरीदी को छक्का लगा दिया मुनरो ने। अकील हुसैन आ गए, आजम खान, और आजम खान की शॉट, और यहाँ पे कैच है, और ये आउट। आजम खान विलियन वापस चलते बने, और यहाँ पे अच्छी विकेट अकील हुसैन की, पहली विकेट आज के मैच में, लास्ट 4th ओवर में विकेट लिया अकील हुसैन ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन आउट। आजम खान 3 रन पे आउट 5 बॉल्स पर। अब आए हैं जी माई आइडियल बैट्समैन, माई फेवरेट बैट्समैन अकील हुसैन आ गया मुनरो, और इस बार क्या कैच होगा, क्या कैच होगा, बट अच्छी फील्डिंग। और ये अच्छी बॉल अब्बास फरीदी की, और इस बार शॉट खेली है मुनरो ने, और ये फोर। बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं अपनी 50 के, और ये फर्स्ट बैट्समैन है जो अच्छे खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। 29 रन हो चुके हैं मुनरो के।
और ये आउट, क्या ये आउट है? मेरे ख्याल में ये आउट है, थोड़ी सी बॉल ऊपर लगी है, लेकिन मैं यहाँ पे रिव्यू में जाऊंगा क्योंकि मुनरो अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा एक रिव्यू का। अच्छी बॉल थी लेकिन विकेटों में है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी सी ऊपर लगी है वो, लेकिन फिर भी चांस लेते हैं। यहाँ पे तो इन लाइन है, देखा मैंने आपको पहले ही कहा था कि विकेट से बोल बेकार की यार, लास्ट बॉल डाले समा में ये, और यहाँ पे आउट है, ये तो पक्का आउट है, लेकिन ये भी अंपायर ले गया। काश मैं वो पहले वाला रिव्यू ना लेता, ये ले लेता, ये तो साफ आउट था क्योंकि आगे फेंकी थी बॉल, ये देखे बिल्कुल आउट था। क्या करूं अंपायर तेरा बे, क्या करूं तेरे पे, तो मैं केस करूंगा, लाजमी केस करूंगा। ये देखे साफ मिडल स्टंप पे विकेट लग रही है बॉल, बहुत ही अच्छा फैसला आपने दिया, लानत लानत। और बास फरीदी को आसफरी ने जो है सिक्स लगाया है, वो भी बहुत ही अच्छे शॉट। माय एडल बैट्समैन, आई लव यू आसफ अली। हालांकि बॉल इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जहां पे आसफ 50 के बिल्कुल करीब हैं, और मेरी कोशिश है किसी आउट करूं, लेकिन यहां पे फील्डिंग नाकाम, डेविड मिलर थे, और यहां पे 51 रन्स, मुनरो की 57 फोर और एक सिक्स, बहुत ही प्यारी बैटिंग की है मुनरो ने। पकड़ ले बॉल सामी, आगे हैं, और ये तो सिक्स, और ये सिक्स, बहुत ही अच्छी शॉट। अगर मुनरो ऐसे खेलते रहे तो मुल्तान सुल्तान ये मैच छोड़ दे, यहाँ ही छोड़ दे। बहुत ही अच्छी बैटिंग मुनरो की, अभी तक धुलाई कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की। इसको अब मैं आउट ही करूँगा, देखना ये देखे बॉल ले यार विकेट, और यहाँ पे आउट है, गुगली बॉल सीधी थी, लेकिन ये अंपायर मुझे पता है आउट नहीं देगा, पता नहीं क्या मसला है इसका। यहाँ पे रिव्यू में जाएंगे और मैच रिव्यू में देखेंगे बिग गाई में क्या ये आउट था, क्या ये आउट था। मुझे तो लगता है सीधी विकेटों में थी, लेकिन यहाँ पे आउट साइड ऑफ, आसफ अली आउट, लेकिन आसफ अली का सिक्स, सिक्स सुन लो भैया, आसफ अली का सिक्स। उसामा मीर को इस बार गुगली उठाई है उसने, सीधा बार फेंकी है, और यहाँ पे कैच आउट चांस है, कैच कर ले अबे, लेकिन सो रहा है, ठीक है सो रहा है, कोई बात नहीं, डाइव भी तो मार सकता था। यहाँ पे कोर सिक्स आसफ अली का, और इस बार तो सिक्स बहुत ही बड़ा छक्का, मेरे ख्याल में आउट ऑफ स्टेडियम, फायर गई बॉल, न्यू बॉल लाओ, आई थिंक 150 मीटर का तो सिक्स होगा ये शॉट, देखी बाहर आए और छक्का, ये देखो बाहर गई आउट ऑफ स्टेडियम आसफ अली की 141 मीटर। वापस लाए जी एहसान उल्लाह का, दो बॉल दो ओवर में 15 रन, काफ़ी मुनरो सेंचुरी के करीब हैं, पहले 50 के करीब था, सेंचुरी के करीब हैं, और क्या ये सेंचुरी कर पाएंगे, क्या हम इसे आउट कर पाएंगे। 17 ओवर हो चुके हैं, 167 पे 3 आउट, और मुनरो 88 पे 52 बॉल्स पे, और आसफ अली 39 20 बॉल्स, तो देख तो क्या होता है। खुश दिल से आउट कर ले यार, कैच कर ले, कैच अब तो पकड़ ले, खुदा का वास्ते कैच, कौन रूसो पकड़ ले, और मुनरो चलता बना 88 पे, सेंचुरी नहीं हुई, बहुत ही अच्छी बॉलिंग इस बार खुश दिल शाह, स्लो बॉल की थी, थोड़ा सा पीछे बाउंस, और ये कैच आउट, अच्छा कैच रूसो का, और बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप के बाद ये विकेट गिरी है, और अब आए हैं कैप्टन शादाब खान, खुश दिल शाह, आ गए आसफ अली, और आसफ अली की हिट, और ये सिक्स, ये तो मेरे ख्याल में फोर्थ फिफ्थ सिक्स है आसफ अली का, शॉट देखें कमाल की शॉट,
कुछ देर क्या आसफ अली को भी थोड़ा सा आउट करना पड़ेगा। क्या ये कैच है? बट नो, सिंगल डबल मिलेगा, आउट कर दे पे। 50 के करीब हो चुके हैं, 3 रन रह चुके हैं और आसफ अली का फिर क्रीज से बाहर आके एक और छक्का, और वो भी बहुत बड़ा छक्का। जब भी आसफ अली क्रीज से बाहर आते हैं तो छक्का मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ा छक्का जाता है। और 23 पे 53 रन, 230 का स्ट्राइक रेट और 6 छक्के ही हैं। चौका तो है ही नहीं है ना इसके खाते में, 6 छक्के ही हैं। बहुत अच्छी बैटिंग आसफ अली की। आउट आउट आउट, अपील नो, नॉट आउट। ये देखिए आसफ अली के सारी छक्के जो है ना स्टेडियम से आउट ऑफ स्टेडियम ही गए हैं। 24 बॉलों पे 50, आउट कर ले, आउट कर ले, कैच कर ले, और ये कोर्स 6 आसफ अली का। अगर आसफ अली यहाँ पे आउट नहीं होते तो मैच मुल्तान सुल्तान के हाथ से जाता। और यहाँ पे बाउंसर करेंगे और ये वेल बॉल एहसानुल्लाह। क्या ये आसफ अली की विकेट ले पाएंगे यहाँ पे? और नो, यहाँ पे तो है 4 आसफ अली एहसानुल्लाह और वेल बॉल। और यहाँ पे आज निकला और यहाँ पे मिस फील्डिंग, और ये मिस फील्डिंग इनको जो है ना मैच बहुत दूर ले जाएगी। तो लास्ट ओवर हम देंगे कैरन पोलार्ड को, 17 रन चाहिए लास्ट ओवर में, देखते हैं क्या आता है। और सामने है शादाब खान ऑन द स्ट्राइक, और यहाँ पे शादाब खान ने 4 जड़ दिया है, बट ना यहाँ पे फील्डिंग अच्छी, और यहाँ पे एक सिंगल ही आएगा, ये शायद डबल हो चुका है। और यहाँ है पुलाट, और यहाँ है आसफ अली, और यहाँ है 6। स्लो बॉल थी लेकिन आसफ अली का 6, अच्छी शॉट आसफ अली की। अब तो मैच गया 3 बॉलों पे 6 रन। एक और स्लो बॉल और इस बार डॉट ऑफ साइड पे जोर करता लेकिन अच्छी प्लाट, और इस बार एक और ऑफ साइड पे जोर कर, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। और लास्ट बॉल पे चाहिए 6 रन, एक छक्का लास्ट बॉल, और एक बॉल पे ये रह गए 6 रन। क्या सफली 6 लगा पाएंगे कैरन प्लाट को, देखते हैं जी। और एक और डॉट बॉल, वेल बॉल, वेल मैच, बहुत ही अच्छा मैच हुआ है, बहुत मज़ा आया। तो आप कमेंट्स में बताएं कि ये ओवर कैसा लगा और मैच का कौन सा आपको पार्ट अच्छा लगा, वो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। लाइक करें और मेरे नेक्स्ट गेम प्ले के लिए तैयार रहें। एज पॉइंट यहाँ पे बॉलिंग इतनी खास अच्छी नहीं रही लेकिन बैटिंग भी आज इतनी खास नहीं थी लेकिन बैटिंग अच्छी की। और जो लास्ट ओवर है वो कैरन प्लाट का बहुत ही अच्छा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।